हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे एटीएम मशीन के बारे में। एटीएम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एटीएम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ऐसे मेट्रो एरिया में रहते हैं, जैसे स्लम एरिया में रहते हैं, तो एटीएम की ज़रूरत हम सभी तो पड़ती है। लेकिन एटीएम का यूज़ हम सिर्फ मनी विड्रॉल के लिए करते हैं या बैलेंस इंक्वायरी के लिए करते हैं। एटीएम तो फुल फॉर्म में ही है, एनी टाइम मनी। लेकिन आज हम आप तो एटीएम के तो इंट्रेडिबल फैक्ट के बारे में बताए थे कि एटीएम सिर्फ मनी विड्रॉल या बैंक इंक्वायरी के लिए काम नहीं आता। एटीएम के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे बहुत से काम जो हमें पहले बैंक में घंटों लाइनों में लगकर करवाने पड़ते थे, और अब हम एटीएम से कर सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट, बिल पे करना, FD करवाना, ऐसे काम हम अब ATM से कर सकते हैं। सबसे पहला काम है फिक्स डिपॉजिट, जैसे FD कराना। हम अपने ATM से जरिए अपने अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके लिए आप तो ATM के मेन्यू बार में FD का ऑप्शन चुनना होगा और अपना नाम और FD का अमाउंट सेलेक्ट कर आप अपनी FD करवा सकते हैं और कन्फर्म बटन पर क्लिक कीजिए। दूसरा, आप अपना इनकम टैक्स या अनदर टैक्स का भी भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप तो इनकम टैक्स या थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर आप तो अपना नाम और टैक्स पे रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद ही ATM के जरिए टैक्स चुकाया जा सकता है। टैक्स चुकाने के बाद आप तो CIN नंबर जारी होगा और उससे 24 घंटे के बाद आप उस टैक्स की वेबसाइट से अपना चलान डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड है पॉलिसी का प्रीमियम। अगर आपके पास LIC, HDFC या SBI लाइफ से बीमा हैं या उनकी अनदर पॉलिसीज हैं, तो आप उनका प्रीमियम जैसे मंथली किस्त या एनुअल किस्त पे कर सकते हैं। ये अभी इन सिर्फ LIC, HDFC और SBI लाइफ की पॉलिसी का प्रीमियम ही भरा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप तो अपने ATM से बिल पे सेक्शन में जाकर बीमा कंपनी सेलेक्ट करनी होगी, जानते जिस पॉलिसी आप कंपनी की पॉलिसी है, और अपना मोबाइल नंबर और अपना बर्थ डेट एंटर कर उसका प्रीमियम अमाउंट भरकर आप कन्फर्म कर सकते हैं। उसके बाद ATM से ही लोन मिलेगा। जी हाँ, आप तो कुछ पर्सनल बैंक ऐसे हैं जो आप तो ATM से लोन की सुविधा भी देते हैं। ये प्री अप्रूव्ड लोन होता है, जैसे इसका मतलब होता है जैसे कि हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, वैसे ही ATM से हमें लोन भी मिल जाता है। ये इस मायने पर मिलता है कि आपका बैलेंस सोर क्या है। ATM में आपकी इतनी अकाउंट में आपकी इतनी सैलरी आती है, कितना ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो कैसा मेंटेन किया गया है, ये सब इस तौर पर देखते हुए उतना अमाउंट आपका लोन में दिया जाता है। उसके बाद कैश डिपॉजिट पे सुविधा। अब देश के लगभग सभी बैंकों ने कैश डिपॉजिट ATM मशीन भी लगा दी हैं। इससे आप पैसे निकलवा भी सकते हैं और पैसे जमा भी करवा सकते हैं। एक बार में आप अपने अकाउंट में 49,900 रुपये यानी 49,900 रुपीज़ जमा करवा सकते हैं, और इसमें जमा करवाने के लिए सिर्फ 2,500 150 रुपीज़ से नोट ही मीन्स ये करेंसी ही जमा हो सकती है। 10 और 20 की करेंसी जमा नहीं होगी। आप अपना कैश ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ATM मशीन की मदद से। आप अपने मनी चौथी से दूसरे अकाउंट में या अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप तो उस अकाउंट को ऑनलाइन या फिर ब्रांच में जाकर रजिस्टर कराना होगा। इस बार में आप 40,000 रुपये ही एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद तो जो काम है वो है बिजली का बिल या टेलीफोन बिल या किसी भी तरह का बिल पे करना। ये हमें मंथली बिल तो बहुत सारे आते हैं, जैसे कि रेंट का बिल था, टेलीफोन था, ऐसे बिल हम ATM से भर सकते हैं। इस बिल भुगतान से पहले आप तो बैंक की वेबसाइट पर एक बार खुद तो रजिस्टर करना होगा, और नदर जानकारी के लिए आप अपनी बैंक ब्रांच में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फिर तभी जब ATM पॉइंट पर जाएँ, यानी कि ATM मशीन के पास जाएँ, तो ये सब ट्राई करते जरूर देते हैं। ATM बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह से इंक्रेडिबल फैक्ट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल की वीडियोस तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।